नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट गुलाब चंद बारोलिया है और मैं राजस्थान प्रांतीय रेगर महासभा जो रजिस्टर्ड संस्था है 1972 क्षेत्र से उसका मैं कार्यालय महासचिव हूँ। आज आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, दोनों ही कार्यालयों पर प्रदर्शन हुआ, किस तरह का प्रदर्शन था, किस तरह की मांगें हैं आपकी? हमारी रेगर समाज की मांग यह है कि हमारी रेगर समाज के कुल टोटल 45 लाख मतदाता है और जो कुल अनुसूचित जाति के जो वोटर है उनमें से 31.94% मतदाता अकेले रेगर समाज का है। हम पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के पास में जाकर के और हमने सरकारी आंकड़े बताए कि इस प्रकार से कुल अनुसूचित जाति में से 31.94% रेगर समाज का मतदाता है। उसके बावजूद भी आज़ादी के 70 साल बाद में भी आज तक हमारे को न राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया और न लोकसभा में हमारे को प्रतिनिधित्व दिया और नई विधानसभा चुनाव में हमारे को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। इसके लिए हम मांग करने के लिए रेगर समाज का प्रतिनिधिमंडल और संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल को साथ में लेकर के हम लोग पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से मिल चुके, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी से भी हम मिल चुके, राजेंद्र जी राठौर से भी मिल चुके, लेकिन इन सबको मिलने के बावजूद भी आज तक रेगर समाज को एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। रेगर समाज में इस बात को लेकर के आक्रोश भी है और अब अंतिम प्रार्थना लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने एकत्रित हुए हैं और जो समाज की आवाज़ और समाज की मांग है उस मांग को हमने प्रदेश कार्यालय के सामने रखा है और प्रतिनिधित्व मंडल रेगर समाज का यहाँ आया है, संघर्ष समिति हमने बढ़ाई है। अगर आप लोगों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता तो क्या करेंगे आप? अगर हमारी बातों के ऊपर ये मांगों के ऊपर मांग नहीं मानेंगे तो फिर हम जो इनका जो शीर्ष नेतृत्व है पदाधिकारी है